Dear student, welcome to all of you to support my English class. Today we shall study the next paragraph, the explanation of the next paragraph from the lesson second. We are not afraid to die if we can all be together. The paragraph, somehow I dot dot say us all. Try to understand and please pay attention into your textbook. The next paragraph, try to read. Somehow I managed to stage canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins, and the electric pumps short circuited. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard. Along with the forestry sail, the jeep, the dinghies, and the main anchor. Try to understand the explanation of this paragraph, dear student. Somehow I managed to straight canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. In this way, somehow the author scarcely, the author spread the canvas and to close the waterfalls where the some holes. इस प्रकार राइटर कहता है कि मैंने जैसे तैसे कैनवास को फैलाया और जो जहाज की डेक में छिद्र हो गए थे उनको जलरोधी वाटरप्रूफ, जो जलरोधी कवर था उससे मजबूती से उसको बंद कर दिया, ढक दिया. सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट नाउ प्रेजेंट टाइम द सम वाटर्स आर फ्लोइंग इनटू द बिलो ऑफ द स्ट्रीम. लेकिन अभी भी कुछ जल जो है वो बह रहा था, लेकिन बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफेक्टेड और ओवर द साइड. लेकिन अधिकांशतः पानी अब साइड के ऊपर से बह रहा था. मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप बट द सम प्रॉब्लम्स स्टार्टेड व्हेन एवर द हैंड पंप रिफ्यूज टू वर्क. आगे कहता राइटर कि अभी तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन कुछ समस्याएं, कुछ क्या कही अत्यधिक समस्या उस समय उत्पन्न हो गई जब जो हैंडपंप केबिन में काम कर रहे थे वो बिखरे जो मलबे थे वहां डेक के आसपास उनसे वो अवरुद्ध होने लगे. और स्थिति क्या हुई, एंड डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्क्यूटेड, और जो विद्युत पंप पर लगे थे वो सब खराब हो गए. द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और द लेवल ऑफ द वाटर एराइजिंग थ्रेटिंगली, और वास्तव में जो पानी का स्तर था वो बड़े ही भयानक तरीके से, भयावह तरीके से ऊपर की ओर
उठ रहा था, बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवर बोर्ड। व्हेन ही रिटर्न बैक ऑन द डेक दैट ही सॉ देयर ही हैड ए टू एक्स्ट्रा हैंड पंप ओवर बोर्ड। और जब वापस वो डेक पर आया आकर तो देखा क्या कि उसके पास अभी अतिरिक्त दो हैंड पंप जो सामने वाले पाल थे उस पर पड़े हुए थे। Along with the forestry sail, the jib, the dagnies, and the main anchor, और इस प्रकार साथ में सामने वाले पाल, तिकोने पाल, डोंगियों तथा मुख्य लंगर जहाज पर तोड़ मरोड़ दिए गए थे। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. At that time the author had remembered that he had a other इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम। उसी समय राइटर को याद आया कि वास्तव में उसके पास तो एक और भी अतिरिक्त हैंड पंप है जो चार्ट रूम के पास में है। अंडर द चार्ट रूम फ्लोर आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। At last the author joined that hand pump with the out pipe and was thankful to find that it worked and it was good that hand pump started to work। और अच्छा भी हुआ राइटर का था, उसको मैंने बाहरी पाइप से साथ जोड़ दिया और शुक्र ये था कि वो हैंड पंप काम करने लगा। द नाइट ड्रॉज डाउन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड। एट दैट नाइट वॉज वेरी मच कोल्ड एंड द रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। राइटर कह रहा है कि वास्तव में पानी निकालने, जहाज चलाने तथा रेडियो का जो संपर्क स्थापित करने का ये लगातार मेरा कार्य चलता रहा। और इस प्रकार रात ही है पास्ट हिज नाइट, रात गुजर गई और फिर भी वी वेयर गेटिंग नो रिप्लाई टू आवर माई डे कॉल्स। बट देयर द ऑथर डिड नॉट गेट एनी सिग्नल्स। लेकिन ऑथर कहता है कि मुझे कोई रेडियो के संकेत मिल ही नहीं रहे थे। माई डे कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कार्नर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज द ऑथर वॉज मोर डिस्टेंस ऑफ द कार्नर ऑफ द वर्ल्ड। उसका कारण था कि राइटर जो है दुनिया के सबसे दूरस्थ कोने में इस समय था, इस नाते कोई संकेत नहीं मिल जा पा रहा था, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। सूज हेड एड स्वालोन Alarmingly, she had two enormous black eyes. सू का जो हेड था, सिर था, अब वो काफी सूज चुका था, उसमें स्वेलिंग आ गई थी और उसकी she had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. और उसके दो सूजे हुए आग के पास जो नीले निशान पड़ गए थे और उसने अपनी बाह को भी दिखाया जहां पर गहरा घाव पड़ गया था। When I asked why she hadn't made more of her injuries, when the author asked about that injuries, she didn't tell about her before this, she replied. जब राइटर ने उससे पूछा कि भाई तुमने आखिर घाव के बारे में बताया क्यों नहीं, तो इसका इलाज किया गया होता, कोई व्यवस्था की गई होती, तो उसने उत्तर दिया I didn't want to worry you when you were trying to save us. She answered that she did not, she hadn't wanted to worry him when he was, he had been trying to save Devan. और उसने उत्तर दिया मैं आपको उस समय
परेशान करना नहीं चाहती क्योंकि उस समय आप हम लोगों की रक्षा में लगे हुए थे, इसलिए मैं आपको कोई परेशानी देना नहीं चाहती। डियर स्टूडेंट, आज का जो ये पैराग्राफ था और उसका एक्सप्लेनेशन, दैट्स ऑल। रिवाइज दिस पैराग्राफ एंड नोट डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग। आज का जो ये था ये समाप्त हो गया। टुमारो वी शैल स्टडी नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।